गोगा जी के ददरेवा में लौट आने से काछल और उनके पुत्रों को छोड़कर सभी अत्यधिक प्रसन्न थे, क्योंकि उनको भलीभांति ज्ञात था कि गोगा जी सभी भाइयों में सर्वश्रेष्ठ है। राज सिंहासन के असली हकदार होते हुए भी गोगा जी बंटवारे के राज्य से संतुष्ट थे। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? अभी आपने जो वीडियो देखा, इस वीडियो को बनाने में, इस वीडियो को एडिट करने में AI इमेजेज और AI वीडियो क्लिप्स का यूज किया गया है। और आज के इस वीडियो को कंप्लीट बात करने के बाद आप अपने स्टोरी के लिए कंसिस्टेंट AI इमेज, कंसिस्टेंट AI वीडियो बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ ही मैं आपको जो भी AI टूल बताऊंगा बिल्कुल फ्री है, और उससे आप अनलिमिटेड इमेज जनरेट कर सकते हैं, अनलिमिटेड AI वीडियो बना सकते हैं। तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत स्पेशल है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहां पे साइड में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगी। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर आप आरके गुरु जैसे वीडियो, मिस्टर परफेक्ट जैसे वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप स्टोरी रिसर्च कैसे करेंगे, ठीक है, वहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जो भी लोग इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहां पे मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया था चैट जीपीटी को, राजा विक्रमादित्य से रिलेटेड 100 यूट्यूब शॉर्ट स्टोरी टॉपिक सजेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो देखिए ये 100 टॉपिक भी सजेस्ट किया, और उसके बाद मैंने पहले टॉपिक पे इससे स्टोरी भी लिखवाया था, ठीक है। मैंने टोटल इसे 5 स्टोरी लिखवाया था। तो पहला स्टोरी देखिए, यहां से लिखता है, राजा विक्रमादित्य अपने गुप्त दौरे पर जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव में सन्नाटा पसरा था, ना कोई हंसी ना कोई चहल पहल। राजा ने सोचा, इतना शांत गांव, यहां लोग इतने भयभीत क्यों हैं? देखिए चैट जीपीटी जो है वो स्टोरी बहुत बढ़िया लिख सकता है, अगर आप उसे सही तरीके से प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करें, ठीक है। तो मैंने देखिए इसे बहुत सारा स्टोरी लिखवाया, और लास्ट में इसे एक प्रॉम्प्ट दिया इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट करने के लिए। देखिए मैंने क्या लिखा, इस स्टोरी के छोटे से छोटे लाइन को ऊपर हिंदी में लिखो, और उसके जस्ट नीचे उसका हाई क्वालिटी वेरी क्लियर अल्ट्रा HD 4K क्वालिटी इमेज का प्रॉम्प्ट विथ डिटेल इंग्लिश में लिखो। आगे देखिए, बिकॉज मुझे इस स्टोरी पर एक इंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो बनानी है, इमेजेज राजस्थानी वाइब के साथ साथ इंडियन माइथोलॉजी स्टाइल में होनी चाहिए। अब यहां पे मैंने जो राजस्थानी वाइब लिखा है, ये गोगा जी महाराज से रिलेटेड वीडियो बनाना था, गोगा जी महाराज राजस्थान से बिलोंग करते थे, तो इसलिए मैंने राजस्थानी वाइब लिखा है। अब आप जहां से भी बिलोंग करें, जिस भी स्टोरी पे वीडियो बनाएं, ये प्रॉम्प्ट में थोड़ा सा चेंजिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी मैंने इसे प्रॉम्प्ट दिया, और देखिए इस स्टोरी से रिलेटेड जितने भी इमेजेस पॉसिबल थे सभी का प्रॉम्प्ट ये जनरेट कर दिया। चलिए ये तो आपने देख लिया, अभी मैं आपके सामने जनरेट करके दिखाता हूं। तो देखिए यहां से किसी भी स्टोरी पे आप जनरेट करना चाहें, जैसे कि मैं पहला स्टोरी यहां से कॉपी करता हूं। देखिए ये रहा हमारा पहला स्टोरी, तो सिंपली ये जो स्टोरी है यहां से हम इसको कॉपी करते हैं। हालांकि नीचे आप आएंगे तो यहां पे आपको डायरेक्ट कॉपी का बटन देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहां पे ये जो पेंसिल का बटन आप देख रहे हैं, इस पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, इस पे लाकर इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करना है, ऊपर वाला जो ये है इसको यहां से हटा देना है। इसको हटाने के बाद नीचे आप जाएंगे और यहां से बाकी सब सेम रख सकते हैं। उसके नीचे आपको यहां पे एक प्रॉम्प्ट डालना है, यहां पे मैंने प्रॉम्प्ट अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, ये जो प्रॉम्प्ट मैं यूज कर रहा हूं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। यहां से इसको कॉपी करेंगे, चैट GPT पे आएंगे, और इस प्रॉम्प्ट को हम यहां पे डालकर यहां पे थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करेंगे, नीड ओनली प्रॉम्प्ट्स नॉट इमेज, बस, क्योंकि कभी कभी ये इमेज भी बनाने लगता है। तो जस्ट हम ये डाल के अप एरो पे क्लिक करेंगे, ये क्या करेगा, यहां पे प्रॉम्प्ट लिखना स्टार्ट कर देगा। तो सिंपली आप देख सकते हैं आपके स्टोरी से रिलेटेड जितना भी इमेजेज पॉसिबल है सबका प्रॉम्प्ट लिख देगा। उसी तरीके से आप चाहें तो कहीं दूसरे जगह से भी स्टोरी को कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां पे एक स्टोरी रखा हुआ है, सिंपली हम इसको सेलेक्ट ऑल करके कॉपी करते हैं। यहां पे चैट GPT पे आकर यहां पे फिर से पेंसिल के बटन पे क्लिक करेंगे, ऊपर जो पेंसिल का बटन है इधर, ठीक है, यहां पे इसको पेस्ट करेंगे, फिर हम बैक जाएंगे और हमारा जो इमेज प्रॉम्प्ट है इस प्रॉम्प्ट को फिर से कॉपी करना है, सेलेक्ट ऑल करके कॉपी करके और यहां पे लाकर नीचे इस प्रॉम्प्ट को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आप सिंपली अप एरो पे क्लिक करेंगे, ये देखिए यहां इस स्टोरी का प्रॉम्प्ट लिखना स्टार्ट कर देगा। सिंपली आप देख सकते हैं इस स्टोरी से रिलेटेड जितने भी इमेज प्रॉम्प्ट हैं सब लिखेगा। अब हम बात करते हैं कि आप इमेज कैसे जनरेट करेंगे, वीडियो कैसे जनरेट करेंगे। तो उसके लिए सिंपली हम यहां से पहला वाला प्रॉम्प्ट पहले कॉपी करते हैं, यहां से आपको पहले वाले प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है, कुछ इस तरीके से कॉपी करना है। यहाँ पे ये जो प्लस का बटन आप देख रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर। इस AI का यूज करके आप जितना मन चाहे उतना AI इमेजेज बना सकते हैं, जस्ट इसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। जस्ट देखिए स्टार्टिंग में इसमें आपको अपना अकाउंट बनाना होगा, तो अकाउंट बनाने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। यहाँ पे जो सर्च का बटन आप देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना है, इमेजेज के बटन पर आपको क्लिक करना है। जस्ट आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा, जस्ट अभी ओपन हो रहा है। यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन का बटन आप देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना है, आपका जो भी प्रॉम्प्ट है उसको पेस्ट करना है, और
प्रॉम्प्ट को पेस्ट करने के बाद नीचे आपको रेशियो सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली यहां पे डाउन एरो पे क्लिक करके आप अगर लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं तो आपको इस रेशियो को चूज करना है, और अगर आप शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं तो आपको इस रेशियो को या फिर इस रेशियो को चूज करना है। तो सिंपली हम लॉन्ग वीडियो का रेशियो चूज करके और यहां पे जो जनरेट का बटन आप देख रहे हैं इस पे क्लिक कर देंगे, आपका एआई इमेज जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये कितना गजब का एआई इमेज जनरेट किया है। हालांकि इसमें आप अपने हिसाब से कुछ चेंजेस कर सकते हैं जिससे और बेहतर इमेज बनाकर आपको देगा। तो यहां पे जो प्रॉम्प्ट है इसमें हम थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पे मैंने प्रॉम्प्ट में थोड़ा सा चेंजिंग किया, देखिए अल्ट्रा एचडी वेरी क्लियर 4K क्वालिटी रियलिस्टिक सिनेमेटिक सीन, बस ये मैंने ऐड किया। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान के कैरेक्टर डिटेल्स में मैंने कुछ पॉइंट ऐड किया है, जैसे कि एन ब्रेव इंडियन किंग हैविंग वॉरियर लाइक स्ट्रांग मस्कुलर बॉडी कवर्ड विथ टैटू, ये मैंने ऐड किया है। उसके बाद आगे मैंने एक और चीज ऐड किया है, हिज फेस इज वेरी क्लियर एंड ब्राइट, बस इतना कैरेक्टर डिटेल मैंने खुद से ऐड किया है, ठीक है। बिकॉज देखिए एआई काम करता है प्रॉम्प्ट पे, आप जितना उतना ही बेस्ट इमेज बनाकर आपको देगा, और जितना बेस्ट आपका इमेज होगा उतना ही क्लियर आपका वीडियो होगा, ठीक है। तो जस्ट मैंने प्रॉम्प्ट में थोड़ा सा चेंजिंग किया है। अब हम जनरेट के बटन पे क्लिक करेंगे, ये फिर से इमेज जनरेट करना स्टार्ट करेगा, और अभी आप देख सकते हैं ये पहले से भी बेहतर इमेज बनाकर देगा। और देखिए यहां पे मैंने जो कैरेक्टर डिटेल खुद से ऐड किया है, अब इसी कैरेक्टर डिटेल का यूज करके हम कंसिस्टेंट कैरेक्टर जनरेट करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस पे फिंगर से क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं। उसी तरीके से बाकी के जो दोनों इमेज है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, फिर से यहां पे रिसेंट पे क्लिक करेंगे और अगला प्रॉम्प्ट जो है इसको हम कॉपी करते हैं। तो यहां से अब दूसरा प्रॉम्प्ट जो है इसको कॉपी करते हैं, सिंपली कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फिर से हम माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर पे आएंगे और यहां पे आपको ये जो स्टार्टिंग का प्रॉम्प्ट है अल्ट्रा एचडी वेरी क्लियर 4K क्वालिटी रियलिस्टिक सिनेमेटिक सीन, बस यहां तक आपको रखना है। उसके बाद यहां से आपको इसको कॉपी करना है, सेलेक्ट ऑल कीजिए, यहां से इसको कट करके और बाकी आपका जो प्रॉम्प्ट है उसको पेस्ट कर देना है। जैसे कि मैंने यहां पे ऐसे पेस्ट कर दिया, देखिए सीन यहां पे हम डबल डॉट डाल देंगे, मतलब इन्वर्टेड कोमा डाल देंगे, अ ग्रेसफुल डिपिक्शन ऑफ प्रिंसेस संयोगिता। अब आप चाहें तो जो संयोगिता का कैरेक्टर है उसका भी डिटेल यहां पे ऐड कर सकते हैं। तो जस्ट मैं कुछ कैरेक्टर डिटेल यहां पे भी ऐड कर देता हूं। यहां पे देखिए मैंने संयोगिता के डिटेल में कुछ ऐड किया है, अ ब्रेव प्रीटी इंडियन लेडी हैविंग वेरी क्लियर ब्यूटीफुल एंड ब्राइट फेस विथ गुड लुकिंग लॉन्ग हेयर्स, बस इतना मैंने ऐड कर दिया। अब आगे हम थोड़ा सा प्रॉम्प्ट में कुछ और चेंजिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, ड्रेस्ड इन एन एलिगेंट राजस्थानी लहंगा विथ, जस्ट आगे सब सही है। अब यहां पे जो पृथ्वीराज चौहान है, देखिए यहाँ पे सी होल्ड अ स्मॉल पेंटिंग ऑफ पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज, तो यहाँ पे हम ज़्यादा चेंजिंग नहीं करेंगे। अगर पृथ्वीराज चौहान का बात होता, यहाँ पे पेंटिंग का बात है, तो हम यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान का जो कैरेक्टर डिटेल है उसको डालना पड़ता। तो बाकी अब हम क्या करेंगे, जनरेट के बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए ये समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि कंसिस्टेंट कैरेक्टर कैसे जनरेट किया जाता है। अभी देखिए ये फिर से इमेज जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं कितना गजब का इमेज जनरेट किया है, इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। उसी तरह से यहाँ पे जो दूसरा इमेज है इसको भी डाउनलोड कर लेंगे। और देखिए इसमें जो क्वीन है उनका फेस देखिए सेम फेस मिलेगा आपको, अलग अलग नहीं, इसीलिए मैंने इसमें एक कैरेक्टर डिटेल ऐड किया। ये वाला जो इमेज है इसको भी हम डाउनलोड कर लेंगे, चार इमेज है, चारों को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कैरेक्टर डिटेल्स ऐड करना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम फिर इस पर क्लिक करेंगे, बैक जाएंगे और यहाँ से अब हम तीसरा जो प्रॉम्प्ट है इसको कॉपी करते हैं। उसके बाद हम फिर से माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर पर जाएंगे और यहाँ पर फिर से इस पूरे प्रॉम्प्ट को यहां से सेलेक्ट ऑल करना है। सेलेक्ट ऑल करने के बाद रियलिस्टिक सिनेमेटिक सीन जो है उसके बाद इसको सेलेक्ट करके पेस्ट कर देना है, बस। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या चेंजिंग करना है उस पर ध्यान दीजिए। अ ग्रैंड पैलेस एंट्रेंस विथ अ लार्ज लाइफ लाइक स्टैचू ऑफ पृथ्वीराज चौहान, तो देखिए यहां पर पृथ्वीराज चौहान जो है यहां पर इनका कैरेक्टर डिटेल्स आप एड कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर हम पीछे जाएंगे और ये जो इनका इमेज है यहां से इनका जो कैरेक्टर डिटेल्स है ये वाला, अ ब्रेव इंडियन किंग हैविंग वॉरियर लाइक मस्कुलर बॉडी कवर्ड विथ टैटू हिज फेस इज वेरी क्लियर एंड ब्राइट, बस वियरिंग अ गोल्डन आर्मर, ये हम क्या करेंगे कॉपी करेंगे। और कॉपी करने के बाद ये जो हमारा प्रॉम्प्ट है जहां पे पृथ्वीराज चौहान लिखा है उसके आगे जस्ट कोमा देकर इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और देखिए बाकी सब सेम रहेगा और यहां पे जनरेट के बटन पे क्लिक कर देंगे। अब ऐसा करने से होगा कि आप पृथ्वीराज चौहान का पहले इमेज में जो फेस है वैसा ही फेस इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि कंसिस्टेंट कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि प्रॉम्प्ट में जहाँ पृथ्वीराज चौहान का बात हो वहाँ पे इनका कैरेक्टर डिटेल्स ऐड करना है, जैसे कि अभी मैंने ऐड किया। जहाँ पे क्वीन संयोगिता का बात हो वहाँ पे क्वीन संयोगिता का कैरेक्टर डिटेल्स ऐड करना है। तो अभी देखिए ये कितना गजब का इमेज बना दिया। अब हम करेंगे क्या, यहाँ से इस इमेज को कॉपी करेंगे, सॉरी डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ से इसको हम कुछ इस तरीके से डाउनलोड कर लेंगे। तो सिंपली आप समझ गए कि आपको इमेज कैसे जनरेट करनी है। उसी तरीके से फिर हम बैक जाएंगे, यहाँ से चौथा प्रॉम्प्ट जो है यहाँ से देखिए जस्ट चौथा प्रॉम्प्ट जो है इसको कॉपी करेंगे।
कॉपी करने के बाद फिर से हम माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर पे जाएंगे और यहाँ पे इसको सेलेक्ट ऑल करेंगे। सेलेक्ट ऑल करने के बाद सिनेमेटिक सीन के बाद का जो प्रॉम्प्ट है उसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। और देखिए इसमें जहाँ भी पृथ्वीराज चौहान का बात है, देखिए अ हाई टेंशन सीन इनसाइड अ ग्रैंड हॉल फिल्ड विथ प्रिंसेस ऑल वेटिंग इन दी गार्लैंड सेरेमनी। पृथ्वीराज देखिए यहाँ पे इन अ स्ट्रिक्टली एट रॉयल अपीयरेंस स्टैंड अमंग द क्राउड इन डिसगाइज। देखिए यहाँ पे पृथ्वीराज का बात है तो यहाँ पे उनका कैरेक्टर डिटेल्स और संयोगिता का बात है, यहाँ पे देखिए संयोगिता, तो संयोगिता का कैरेक्टर डिटेल्स भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अब देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे इनका जो इमेज है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इनका जो कैरेक्टर डिटेल्स है देखिए एन ब्रेव इंडियन किंग हैविंग बस यहाँ तक ब्राइट वियरिंग अ गोल्डन आर्मर, इसको हटा के बस हम क्या करेंगे, बस ब्राइट तक क्या करेंगे कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाकर जहाँ पे पृथ्वीराज का बात है, ठीक है पृथ्वीराज यहाँ से कोमा डालकर पेस्ट कर देंगे। ठीक है कुछ इस तरीके से ये पेस्ट हो गया, देखते हैं यहाँ तक आया है। अब उसके बाद जहाँ पे संयोगिता का बात है यहाँ पे फिर हम बैक जाएंगे और यहाँ पे संयोगिता का ये वाला इमेज है, तो संयोगिता का यहाँ पे जो मैंने कैरेक्टर ऐड किया था कैरेक्टर डिटेल्स अ ब्रेव प्रीटी इंडियन लेडी हैविंग वेरी क्लियर ब्यूटीफुल एंड ब्राइट फेस लुकिंग गुड लुकिंग लॉन्ग हेयर, बस हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाकर संयोगिता के बाद संयोगिता यहाँ पे कोमा देकर संयोगिता का जो कैरेक्टर डिटेल्स है इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से कंसिस्टेंट कैरेक्टर जनरेट किया जाता है। अगर बैकग्राउंड सेम रहता तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बैकग्राउंड का बात कहाँ पे हो रहा है। देखिए वाइब्रेंट पैलेस डेकोरेशन फिल्ड विथ हॉल विथ लेंथर्न्स, यहाँ पे मान लीजिए कि अगर पिछला वाला बैकग्राउंड ही रहता तो हम पीछे वाले इमेज से बैकग्राउंड को कॉपी करके और यहाँ पे डाल देते और बाकी फिर हम क्या करेंगे जनरेट के बटन पे क्लिक करेंगे ये इमेज जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं ये कितना गजब का इमेज जनरेट किया है। ठीक है क्योंकि देखिए स्टोरी में बात है कि जो पृथ्वीराज चौहान है वो अपने रॉयल ड्रेस में सभा में नहीं गए हैं, मतलब कि जो स्वयंवर है उसमें अपने ओरिजिनल राजसी वेशभूषा में नहीं गए हैं, इसीलिए कुछ इस टाइप का इमेज ये बनाया है। तो यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं, इसको भी हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है अब हम बात करते हैं कि अब इन इमेजेस का यूज करके आप वीडियो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम फिर से प्लस के बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर अब आपको सर्च करना है हेलुओ AI। ठीक है बस ये आप सर्च करेंगे, पहला वाला जो वेबसाइट है इस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको लॉगिन करना होगा। अब आपको करना क्या है, ये जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको अपना इस पर क्लिक करके आपको अपना इमेज ऐड करना है और यहाँ पे आपको अपना प्रॉम्प्ट ऐड करना है। जस्ट हम करेंगे क्या, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम पहला इमेज पहले ऐड कर लेते हैं। जस्ट हम यहाँ से ये वाला इमेज ऐड करेंगे, उसके बाद हम फिर से इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से पहला प्रॉम्प्ट हम कॉपी करेंगे। ये है हमारा पहला प्रॉम्प्ट, तो जस्ट हम क्या करेंगे यहाँ से पहला प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम फिर से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे है हेलो AI, तो यहाँ पे लाकर हम इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे और प्रॉम्प्ट को पेस्ट करने के बाद नीचे ये जो बटन आप देख रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे, आपका वीडियो जनरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट अभी ये जनरेट कर रहा है तब तक हम यहाँ से दूसरा प्रॉम्प्ट जो है उसको कॉपी कर लेते हैं। ये है हमारा दूसरा प्रॉम्प्ट, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद फिर से हम हेलो AI पे आते हैं। जस्ट देखिए यहाँ पे हमारा वीडियो जनरेशन जो है वो स्टार्ट हो गया, सिंपली आप देख सकते हैं। और इससे आप अनलिमिटेड वीडियो कैसे जनरेट करेंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अब देखिए फिर से हम इस पर क्लिक करते हैं, यहां से आपको इस प्रॉम्प्ट को चेंज कर देना है। ठीक है यहां से हम सेलेक्ट ऑल करेंगे, पेस्ट करेंगे, दूसरा प्रॉम्प्ट पेस्ट हो गया और यहां से अब दूसरा इमेज भी आपको ऐड कर लेना है। जैसे कि अब हम यहां से कोई भी एक इमेज इनका ऐड कर लेते हैं, ये वाला इमेज ऐड कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर लग रहा है। ठीक है अब जब आपका ये इमेज ऐड हो जाए तब आपको करना क्या है, यहाँ से फिर से इस बटन पे क्लिक कर देना है। एक बार में आप तीन वीडियो जनरेट करा सकते हैं। ठीक है जस्ट अभी ये क्रिएट कर रहा है, तब तक हम फिर से यहाँ से तीसरा प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेते हैं। ये हो गया हमारा तीसरा प्रॉम्प्ट, जस्ट हम क्या करेंगे यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद फिर से हम हेलो AI पाएंगे। देखिए दूसरा भी यहाँ पे ऐड हो गया, ये भी जनरेट करेगा, पहले ये जनरेट हो जाए तब। चलिए फिर उसी तरह से हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये जो प्रॉम्प्ट है इसको सेलेक्ट ऑल करके तीसरा प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे और इमेज भी यहाँ से तीसरा वाला ऐड कर देंगे। तो ये है हमारा तीसरा इमेज, इसको हम यहाँ से ऐड करके और फिर से आपको करना क्या है, इस वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जस्ट हम इस पर क्लिक करते हैं, हमारा तीनों वीडियो जो है वो जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। अभी जस्ट मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, जब तक ये वीडियो जनरेट कर रहा है तब तक मैं आपको बता दूं कि इसका आप अनलिमिटेड यूज कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप क्लिक करके खुद देख सकते हैं कि जब आप अपने किसी नए गूगल अकाउंट से इसमें साइन अप करेंगे तो आपको 3 दिन तक अनलिमिटेड एक्सेस दिया जाएगा। आप खुद पढ़ सकते हैं, एज अ वेलकम गिफ्ट फॉर न्यू यूजर्स वी आर गिविंग 3 डेज ऑफ अनलिमिटेड एक्सेस, मतलब 3 दिन तक आप जितना मन चाहे उतना वीडियो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कोई क्रेडिट खत्म नहीं होने वाला। ठीक है तो 3 दिन बहुत होता है, 3 दिन में आप बहुत ज्यादा वीडियो जनरेट कर सकते हैं। अभी जस्ट देखिए ये वीडियो जनरेट कर रहा है, अभी मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। तो फाइनली यहां पे हमारा एक वीडियो जो है वो रेडी हो गया है, जस्ट अभी मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं। तो देखिए
ठीक है, ये इस टाइप का कुछ नॉर्मल वीडियो बनाया है, हालांकि प्रॉम्प्ट में चेंजिंग करके आप इसको और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने इमेज जनरेट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट दिया था, उसी तरीके से यहां पर भी आप प्रॉम्प्ट चेंज कर करके वीडियो का क्वालिटी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये दूसरा बना रहा है, अभी मैं आपको मैंने जो कुछ वीडियो जनरेट किया है वो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉम्प्ट को चेंज करके भी आप बहुत बेस्ट क्वालिटी का वीडियो जनरेट करा सकते हैं। तो अभी आप मेरा ये अकाउंट देखिए जिससे मैंने बहुत सारे वीडियो जनरेट किए हैं हेलो एआई का यूज करके। जस्ट आप देखिए, देखिए ये वीडियो देखिए कितना गजब का जनरेट किया है, आप ये वीडियो देखिए कितना गजब का जनरेट किया है, ठीक है, हेलो एआई का यूज करके ही मैंने जनरेट करा है। तो सिंपली आप देख सकते हैं बिल्कुल रियलिस्टिक वीडियो ये जनरेट करता है, खुद आप देखिए। उसी तरीके से आप नीचे देखिए, ये वीडियो देखिए गजब का जनरेट किया, देखिए मूव कराया है सबको। तो सारा खेल प्रॉम्प्ट का है, आप जितना बेहतर तरीके से प्रॉम्प्ट देंगे उतना बेहतर ये वीडियो जनरेट करके देगा। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं ये क्वीन जो है वो गार्डन में बैठी हुई है। उसी तरीके से नीचे आप देखिए, ये वीडियो देखिए अभी जस्ट देखिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप जैसा प्रॉम्प्ट देंगे वैसा ये वीडियो जनरेट करके आपको देगा। तो आई होप आप समझ गए कि आपको कंसिस्टेंट इमेजेस कैसे जनरेट करनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, बहुत किसी को इंग्लिश में प्रॉम्प्ट लिखने में दिक्कत हो सकता है, ठीक है, तो मैंने इसका भी सॉल्यूशन बता दिया है, आप मेरे इस वीडियो को जाकर देखिए, ठीक है। इस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है लेकिन स्टोरी आपके दिमाग में है, ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में मैंने जो तरीका बताया है उस तरीके का यूज करके भी आप अपने स्टोरी के लिए बहुत बेहतरीन इमेजेस और वीडियो क्लिप जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आज की ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसा यूजफुल कंटेंट हमेशा लाता रहता हूं। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पेंड करेंगे एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।